नमस्कार, डीएनए की डिजिटल मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू जी। साहू जी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे साहू जी की आपके क्षेत्र में कोरोना की क्या परिस्थिति बनी हुई है और किस तरीके से आप जो है आपके क्षेत्र में कोरोना वगैरह का जायजा आप बताएं। आप कोरोना संक्रमण जो है विगत दिनों में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अभी दुर्ग में पिछले 20 तारीख से लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद नियंत्रण में है और लगता है आने वाले समय में और नियंत्रण हो जाएगा। शासन प्रशासन इसमें जो मरीज है उनको भी सहयोग कर रहे हैं और जनता को लगातार आह्वान कर कि इससे सतर्कता कैसी बरतनी है, इसमें ख्याल रखने की बात प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा की जा रही है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में मतलब जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं तो उस वहाँ पर कैसी व्यवस्था भी है? कोविड अस्पताल यहाँ दुर्ग जिले में शासन के द्वारा जो संचालित हो रही है, चंदूलाल मेडिकल कॉलेज है, संक्रम मेडिकल कॉलेज है, जी जी स्थानों पर अभी आजाद हॉस्पिटल में भी 100 बिस्तर वाला कोविड अस्पताल खोला गया। बहुत से प्राइवेट जो नर्सिंग हो और जो अस्पताल है उनमें भी जो मरीज है उनको भर्ती लिया जा रहा है। और सेक्टर 9 में जो हमारा बहुत विख्यात अस्पताल है जहाँ बीएमसी कर्मी अपने इलाज कराते हैं, वहाँ भी कोविड की इलाज प्रारंभ की गई है वहाँ बीएसपी कर्मियों का, इसलिए ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। जी राजेंद्र जी, ये हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसे केंद्र सरकार कृषि बिल पास कर रही है सेंट्रल में, तो उस पर आपका क्या जी, जी, जी। कृषि बिल जो है जी जी किसानों के साथ छलावा है जी। ये जो 3 विधेयक लाए हैं किसान के लिए, निश्चित तौर पर किसानों को बर्बादी के कगार पर ले जाएगी। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। किसान इसमें ठगे जा रहे हैं। कुछ राज्यों में पहले से यह कानून लागू है और वहाँ के किसानों की स्थिति बहुत बदतर है। देश में लागू करने से इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तो क्या कुछ आपके हिसाब से लगता है कि इसमें किसानों को नुकसान हो सकता है? पहला चीज तो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP ये विधेयक में कहीं भी नहीं दिखाया गया है कि किसानों का जो अनाज है, उत्पादित अनाज है या फसल है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। आप ये बोल रहे हैं कि खुले बाजार में किसान अपने मनमाफिक भाव में बेच सकते हैं। अभी भी खुले बाजार में बेचते हैं, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिलता, समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि यदि किसानों के इतने ही हितैषी हैं तो कम से कम समर्थन मूल्य में खरीदी का आह्वान कर दे, और जब समर्थन मूल्य में खरीदी का एक प्रावधान आ जाएगा, विधेयक आ जाएगा, तो बाहर में उससे ऊपर दाम में बिके ना बिके, और जब बाहर में ऊपर दाम में बिकने की बात कर रहे हो तो अभी तक क्यों नहीं खरीद रहे हैं व्यवसायी? दूसरी जो बात है, मंडी का जो संचालन होता है जी। मंडी में बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, हेमाल है, ट्रक वाले हैं, रेजा है, मजदूर है, कई व्यवसायी हैं और मंडी कर्मचारी हैं, इनको रोजगार मिलता है। आप उसको खत्म करने के कगार पे ला रहे हैं और मंडी जो टैक्स मिलता है उसके सरकार अधोसंरचना का निर्माण करती है, विकास कार्य करती है ग्रामीण क्षेत्र में, उससे आप वंचित हो जाएंगे।
और यदि मंडी प्रथा समाप्त नहीं हो गई बोल रहे हो, तो हम ये कैसे जान ले कि कोई व्यापारी इतना अनाज किसानों से खरीद रहा है? आप तो सीमा, और जब कोई व्यवसायी बिना सरकार, इसमें जानकारी कैसे लगेगी कि कोई व्यवसायी कितना अनाज खरीद? जब जानकारी ही नहीं रहेगी तो उसमें आप न्यूनतम समर्थन मूल्य या लिमिट कैसे लगाएंगे? और आप ये बताइए, कोई किसान से एग्रीमेंट किया फसल लगाने के लिए और वो लिखा है कि मैं 15 क्विंटल या 20 क्विंटल धान आपसे खरीदूंगा, फसल खराब होगी तो उस रेट में उससे पैसा व्यवसायी ले लेगा या एग्रीमेंट कॉर्पोरेट ले ले, लेकिन फसल ज्यादा होगी और वो नहीं खरीदा, इसके लिए आप किसान को क्या करेंगे? किसके दरवाजे जाएगा? आप उनको न्यायालय जाने का भी अधिकार, कॉर्पोरेट घराने के जो लोग रहेंगे वो बड़े बड़े अधिवक्ता खड़े कर, किसान जो 2-5 हजार के कर्ज में डूबता है तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, वो कहाँ से वकील के खर्चे उठाएगा, कहाँ से अधिवक्ता करेगा? और तीसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, कि पूरे देश के अंदर बहुत सारी सहकारी समितियां हैं जिनके माध्यम से किसान अपने उपार्जन को विक्रय करता है, साथ ही साथ उपार्जन के पहले जो वो बीज खाद और नगद राशि ऋण लेता है, बहुत से राज्यों में कम ब्याज पे और बहुत से राज्यों में बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है, यह जो व्यवस्था है इसके भी समाप्त होने की संभावना है। सहकारी समिति में अगर कोई किसान बीज लेता है, खाद लेता है, नगद उधार लेता है तो उसका ब्याज भी नहीं लगता और उसको सहकारी समिति कहीं एग्रीमेंट नहीं करता कि धान या गेहूं या चना मेरे को ही देना है, सहकारी संस्था उनको बाध्य नहीं करता। मगर कॉर्पोरेट से अगर वो एग्रीमेंट करेगा, उससे ऋण लेगा अपने ऋण पुस्तिका के माध्यम से, तो उसको उस फसल का उत्पादन उन्हीं को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो सहकारी संस्था को भी आप समाप्त करने के कारोबार पे हैं, उसमें भी बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, किसान निश्चिंत रहता है कि इस साल अगर फसल नहीं होगी, मैं कर्ज नहीं पटाऊंगा तो अगले साल के फसल से मैं सहकारी समिति का कर्ज अदा कर सकता हूँ। लेकिन कॉर्पोरेट के साथ या किसी व्यवसायी के साथ यदि एग्रीमेंट करता है, करार करता है और उसकी फसल नहीं होती तो उसको खेत बेचने पर मजबूर, ये सब सुविधा इस बिल में है। आप ये देखिए कि खुले बाजार में अगर ज्यादा दाम में बिकेगा तो उसको अभी भी खरीद लेना, अभी किसने मना किया है? आप किसी भी व्यवसायी को किसने मना किया है? आप मंडी टैक्स जो लेते हैं वो बिना बाहर में अगर बेचता है तो उनको छूट दे दीजिए बिना विधेयक लाए। आप अगर इस विधेयक में भाजपा के लोग बताएं इसका फायदा गिना रहे, अरे आप नोटबंदी के बहुत सारे फायदे बताएं, आज नोटबंदी से किनको रोजगार मिला, कितना काला धन आ गया, अरे आज 2000 के नोट बाजार से गायब हो गए, 2000 के नोट आम जनता को देखने नहीं मिलता, बैंक में नहीं दिखता, और आप नोटबंदी की बात कर रहे थे कि इससे फायदा होगा, कितने लोगों को रोजगार मिला? रोजगार मिलना तो दूर, रोजगार दूर हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसी जीएसटी एक देश एक टैक्स की बात किए थे, आज जीएसटी का भी पैसा सरकार समय पर राज्य सरकारों को नहीं दे रही है, और जो रिफंड व्यवसायियों को या हमारे भाइयों को जो टैक्स पेड रहते हैं जीएसटी जमा करने वाले, उनको भी आज तक जीएसटी वापस नहीं मिला है। तो वैसी ही किसान के साथ तकलीफ बढ़ेगी। अभी इन लोगों ने बार बार बोल रहे हैं भाजपा के लोग, इससे लाभ है, लाभ है। निर्मला सीतारमन 4 महीना पहले 5 अप्रैल से 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित की है। आप बताइए कि देश की किस जनता को उस 20 लाख करोड़ पैकेज का लाभ मिला है? वैसे ही जैसे नोटबंदी, 20 लाख करोड़ का पैकेज, जीएसटी, जैसे आम जनता के साथ छलावा था
वैसे ही किसान विधेयक भी किसानों के साथ छलावा है, किसानों के साथ धोखा है। जी अच्छा, राजेंद्र जी एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना अभी लागू हुआ है, उस पर आपका क्या विचार है? जी गोधन न्याय योजना को खाली गोबर खरीदी तक ना देखे। यह योजना एक तरफ भाजपा के लोग इसके व्यापक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले गोबर खरीदी का भी विरोध किए, 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी का विरोध किया। मैं बताना चाहूँ ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए विधेयक ला रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीद रही थी तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार उसका विरोध कर रही थी कि हम अगर आप 2500 रुपए क्विंटल में खरीदोगे धान तो हम आपका पूल में चावल नहीं लेंगे। और आज किसानों के हित की बात करते हैं, जो 2500 किसानों को मिल रहा था तो इनको दर्द हो रहा था भाजपा के लिए। ये भाजपा के जो 11 सांसद है वो आज तक कुछ नहीं बोले जी, ना नोटबंदी में बोले हैं, ना जीएसटी में बोले हैं, ना किसानों को मिलने वाले 2500 रुपए में बोले। वैसे ही गोबर खरीदी का, अरे गौशाला के नाम पे आप लोगों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। आप लोगों ने मोबाइल बांट किया, आपका रतन जो 20 से गिजरवाली का, हमने जो गोबर खरीदी का काम है इससे गोबर गोधन न्याय योजना से गोबर के से बहुत सारी चीजों का निर्माण होगा, चाहे लकड़ी बनाने का काम हो गोबर की, चाहे खाद, चाहे अन्य जो वस्तुएं बनती है गोबर से, कंडा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बनती है उसपे लोगों को रोजगार। गोधन न्याय योजना बहुत आने वाले समय तक जो ग्रामीण हम इन लोगों जो बेरोजगार बच्चे हैं गांव के जो रहने वाले हैं, खासकर यादव समाज के लोग, अभी उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी आर्थिक रूप से, उनको सुधारने का काम इस गोधन न्याय योजना के माध्यम से किया जा रहा है। और गोधन न्याय योजना आने वाले समय में हमारे जो युवा है उनको रोजगार देने का काम करेगी। आप इंडस्ट्री लगा के रोजगार नहीं दे सकते क्योंकि इंडस्ट्री लगाना ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था पे जो व्यापार है, जो ग्रामीण जो उत्पादन जो हम करेंगे, चाहे फसल से करें, चाहे ग्रामीण मूलक रोजगार, चाहे सब्जी बोकर करें, चाहे आपका गोबर खरीदी करके, और उसके माध्यम से हम रोजगार देने का, मतलब ग्रामीण व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार की खोज गोधन न्याय योजना के माध्यम से होगी। गोबर खरीदी तो शुरुआत है, वहां से गायों की रक्षा भी होगी, दूध भी निकलेगा, दूध खरीदी भी होगी, दूध के साथ साथ बच्चों का जो स्तर जो पोषण जो होगा अच्छे से, कुपोषण जो दूर होंगे दूध से, आपके गोबर से अनेक वस्तुएं बनेगी, और खाद जो बनेगा उससे जो हम फसल का उत्पादन करेंगे तो रासायनिक खाद जो हमारे जमीन में घुस चुका है वो धीरे धीरे कम होगी, और हमारी आने वाली पीढ़ी ये जो ऑर्गेनिक खेती होगी इससे हर्ष पुष्ट होगी, उनका जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारियां कम रहेगी छत्तीसगढ़ में, ये हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। गोधन न्याय योजना से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्रियल पार्क जो 1 एकड़ रख रहे हैं उसमें हमारी महिला समूह है, हमारी युवा है, उनको वहां रोजगार मिलेगा। कोई पैरा सकेल के लाएगा, कोई पैरा का कुट्टी काटेगा, कोई दूध वितरण करेगा, कोई वही बाड़ी लगाएगा, कोई मछली पालन करेगा, कोई कुक्कुट पालन करेगा। आप उसको हल्के में ना लीजिए, ये रतन जोत बिजली है कि गाय पता ही नहीं चला 1 लीटर डीजल नहीं निकला। आप ये जो मोबाइल बांटे वैसा नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार जो भी काम कर रही है सीधे उपभोक्ता तक या सीधे लाभार्थी तक उसके खाते में पैसा मिल रहा है, इसमें कहीं घोटाले की संभावना नहीं है। चाहे धान का मामला ले लीजिए, सीधे धान का पैसा किसानों के खाते में जाता है, गोबर का पैसा सीधे गोबर विक्रेता उसके खाते में जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा साहू जी कि आप हमारे शो पर आए और आपने हमें समय दिया। और भी कुछ मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे,
फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। धन्य नमस्कार धन्यवाद।